बिशप की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की गृह पंचायत विजयपुर को निर्विरोध चुना गया है। झंडूता विधानसभा क्षेत्र की नवगठित ग्राम पंचायत विजयपुर, जो कि पहले ग्राम पंचायत समूह का हिस्सा हुआ करती थी, जिसे पहली बार ही डॉक्टर मल्लिका नड्डा, विधायक जीतराम कटवाल तथा ग्राम पंचायत समूह के प्रधान अनिल कुमार की उपस्थिति में निर्विरोध चुना गया है। हिमाचल प्रदेश में नगर निकाय और पंचायती राज के चुनाव चले हुए हैं और चुनावी माहौल के बीच बिलासपुर जिला के विजयपुर पंचायत को निर्विरोध चुना लिया गया है। वहीं ये पंचायत बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की गृह पंचायत में से है। इस बारे में जानकारी देते हुए झंडूता से विधायक जीतराम कटवाल ने बताया कि विजयपुर पंचायत के प्रधान, उप प्रधान, वार्ड सदस्यों को निर्विरोध चुन लिया गया है। साथ ही उन्होंने कहा कि निर्विरोध पंचायत को इनाम के तौर पर प्रदेश सरकार द्वारा विकासात्मक कार्यों के लिए 10 लाख रूपए की राशि व अपनी विधायक निधि से 2 लाख रूपए की विशेष प्रोत्साहन राशि व ग्राम पंचायत पंचायत विजयपुर को देंगे, ताकि पंचायत का विकास होने के साथ ही आपसी भाईचारा भी बरकरार रहे। गौरतलब है कि निर्विरोध प्रतिनिधियों में प्रधान पद के लिए सतीश कुमार दीमान, उप प्रधान श्यामलाल बैंस, बाढ़ सदस्य के लिए बाढ़ 1 से चमन चौधरी, बाढ़ 2 से फुला देवी, बाढ़ 3 से गीता देवी, बाढ़ 4 से सपना कुमारी, बाढ़ 5 से सुभाष चंद को निर्विरोध चुना गया है। नाम है निर्विरोध चुनी जाने वाली पंचायत को 2 लाख रूपए एक सम्मान स्वरूप में विधायक होने के नाते मैंने भी इनको देना का वादा किया है, और मैं शीघ्र ही, जैसे ही कोड ऑफ कंडक्ट लागू होना बंद होता है, खत्म होता है, तो जनवरी माह में इन पैसों की व्यवस्था करके इसको नया पंचायत घर, नई व्यवस्था, नई डिस्पेंसरी, इनके जो पंचायत के नाते एक अपेक्षाएं होती हैं पंचायत में कौन कौन सी संस्थाएं होनी चाहिए, उन सब के एक सर्वांगीण चहुमुखी विकास के लिए इस पंचायत के लिए हम सब प्रयासरत हैं, और श्रीमान जगत प्रकाश नड्डा जी का भी बहुत बड़ा आशीर्वाद है, और हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि वो यहाँ से संबंध रखते हैं। और लोगों ने भी परिपक्वता का परिचय दिया कि राष्ट्रीय अध्यक्ष के गृह पंचायत को निर्विरोध एक मत से और बड़ी जबरदस्त सहमति से चुना है।